जान दे दूंगा टिकट नहीं मिला मुसहर बनवासी जो दलित में है उसमें प्रदेश विजय कुमार पटियाली से दोस्तों हमारे साथी मोहित ने पहले ही एक रिपोर्ट में आपको ये दिखाया था कि इस बार 2022 के चुनाव में सपा से टिकट के लिए नेताओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वीर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की है, बहुत ही ज्यादा हलचल है और बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। अखिलेश के सामने टिकट के लिए जान देने की धमकी देने वाला ये वीडियो उसकी वानगी भर है। टिकट के लिए अलग अलग विधानसभाओं के नेता क्या क्या जुगाड़ लगा रहे हैं हम आपको बता देंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अखिलेश के सामने जौहर मियां का टिकट मांगने का तरीका देखिए और फिर आगे की बात हम आपसे करते हैं। मुसहर बनवासी जो दलित में है उसमें प्रदेश विजय कुमार नेताजी कह रहे हैं कि जान दे देंगे, वो भी अखिलेश के सामने। अब ऐसा क्या हुआ कि जान देने की नौबत आ गई? ये वीडियो सपा दफ्तर का है। अखिलेश यादव हमेशा की तरह दूर दराज से आए नेताओं कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनकी शिकायतों और शुभकामनाओं के पत्र रिसीव कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच में ही खड़े सपा नेता मोहम्मद मियां जौहर टिकट के लिए अचानक जान देने की बातें करने लगे। मुसहर बनवासी जो दलित में है उसमें प्रदेश विजय कुमार जौहर मियां कासगंज की विधानसभा पटियाली के रहने वाले हैं। जौहर भाई साहब को पटियाली विधानसभा से ही सपा का टिकट चाहिए, अगर नहीं मिला तो जान देने की धमकी देने की बात करने लगे। अब इस तरह की हरकत के बाद जौहर भाई साहब को टिकट मिलेगा या नहीं ये आगे का वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश से अगर हर कोई ऐसे ही टिकट मांगने लगा तो शमशान घाटों पर कोरोना काल से ज्यादा लाशें जलेंगी। जान दे दूंगा टिकट नहीं मिला मुसहर बनवासी जो दलित में है उसमें प्रदेश विजय कुमार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सपा से टिकट के लिए नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव भी बड़े वाले खिलाड़ी हैं, टिकट अभी किसी के घोषित नहीं होंगे। चुनाव लड़ने वाले नेता अगर शेर हैं तो अखिलेश यादव सवा शेर हैं। अभी से टिकट की घोषणा तो बिल्कुल नहीं होने वाली। एक एक सीट पर 10-10 नेता प्रचार करने में जुटे हुए हैं। सपा की गाड़ियों ने इलाकों में गर्दा उड़ा रखी है, एक एक घर को सपा नेताओं ने घेर रखा है। सब नेता टिकट की उम्मीद में लोगों के बीच डटे हुए हैं। भैया अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, राजनीति उनके खून में बहती है, अभी से टिकट की घोषणा करके वो क्यों बाकी नेताओं को नाराज करेंगे? सारे नेता मेहनत करेंगे, टिकट तो तब घोषित होंगे जब अखिलेश यादव चाहेंगे। जान देने से गिड़गिड़ाने से किसी को टिकट नहीं मिलने वाला। इस बार टिकट मिलेंगे तो पूरी जांच पड़ताल के बाद, इस बार टिकट मिलेंगे जातिगत इक्वेशन में फिट बैठने के बाद। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।